हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फार्माकोग्नोसी की फिफ्थ यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसका नाम क्या है, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट। पिछले वीडियो में हमने जो प्लांट प्रोडक्ट थे, जिसमें हमारे फाइबर्स थे और जो भी हमारे टेराटोजेंस थे, हेलुसिनोजेंस थे, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ब्रीफली नॉलेज उसके बारे में ले ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है, प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट होता क्या है। तो जब हम फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारा सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट आया था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट होता है वो प्लांट के इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। उसी तरह जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट के डेवलपमेंट, ग्रोथ, या उसके सेल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, या उसमें होने वाले डिफरेंस फंक्शनिंग सच एज ड्वार्फनेस या उसके टॉलनेस, मतलब लंबा हो जाना, बौना हो जाना, चौड़ा हो जाना, मोटा हो जाना, इन सब के लिए हमारी प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स जिम्मेदार या होती है। ठीक है, तो अगर हम एक डिफिनेशन के तौर पे देखें, दी प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स आर दोज एजेंट, मतलब ये एक ऐसे एजेंट होते हैं व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट सेल्स ऑर्गेन एंड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हमारी डिफिनेशन, हमारी हिंदी में भी डिफिनेशन, इंग्लिश में भी डिफिनेशन कन्फर्म हो गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाइटमिन हो गया, अकेसिया, अगार, हनी, जिलेटिन, कैसिन, कैस्टर ऑयल, ईटीसी, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट शुरुआत से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नियर अबाउट हम क्लास 8 से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी। तो सबसे पहले जानते थे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। हाइड्रेट ऑफ द कार्बन, मतलब जो हमारे कार्बन होते हैं उनके हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या, जैसे आपने एक टर्म सुना होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सफिशियंट मात्रा में पानी पाया जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं हाइड्रेशन, और जब पानी का लेवल कम हो जाता है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो कार्बन के साथ हाइड्रेशन, मतलब कार्बन के साथ वाटर मिलकर हमारा क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बताना हो तो सीधा सीधा आप सबसे पहला टर्म में लिखेंगे कि ये हाइड्रेट ऑफ द कार्बन होते हैं, मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। दूसरी बात आती है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी होते हैं, जिसका ब्रीफली हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज जो आपका होता है एल्डिहाइडिक होता है, वहीं फ्रक्टोज होता है वो आपका कीटोनिक होता है, एंड सुक्रोज हमारी डाइसेक्राइड की शुगर होती है। और ये बने किससे होते हैं, ये कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन से। तो आपको ये सारे बेसिक टर्म अपनी कॉपी में इंक्लूड करने हैं जब भी आप थ्योरेटिकल एग्जाम देने जाएंगे तब। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सुक्रोज, इसका सोर्स क्या होता है, ये हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो जो इसका सोर्स होता है वो हमारा केवल एक सोर्स होता है, वो भी नेचर से, और नेचर से प्लांट से मिलता है। और ये मिलता कब है हमको, प्लांट किंगडम बाय फोटोसिंथेसिस। जब हमारे पत्तियों में, जब प्लांट के पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो भोजन अपना, मतलब जो भी उसको आहार लेना होता है, जो भी भोजन लेना होता है, वो उसका डेवलपमेंट करता है या उसको बनाता है, स्वयं खुद ही अपना वो भोजन तैयार कर लेता है। अब जब उसमें कुछ डाइजेशन होगा, उसमें से कुछ एलिमिनेशन होगा, ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे, कार्बन के तौर पे निकलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं कार्बन को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर देते हैं, सेम वही कंडीशन आती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस एक ट्रिकी वाला है। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट लो मॉलिकुलर लेवल का हुआ, मतलब उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो लो हुआ, तो उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी कैसी होगी, जो उसका टेस्ट होगा वो कैसा होगा। तो अगर लो मॉलिकुलर वेट का है तो वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, ये सब आप ध्यान से सुनते चलिए। वाटर में सोल्यूबल होगा और जो उसका टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुक्रोज मतलब चीनी हो गया, चीनी का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कम होता है। माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो मतलब कहने का जो हमारी मोनोसेक्राइड की शुगर होती है, डाइसेक्राइड की शुगर होती है, ये हमारी लो मॉलिकुलर वेट के अंतर्गत आती है, जिसका जो स्टेट होता है क्रिस्टलाइन होता है, उसकी जो सोलिबिलिटी होती है वाटर में होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट मतलब मीठा टेस्ट होता है। वहीं जिनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो एमार्फस इन नेचर होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, रिलेटिव इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, गम हो गया, पेक्टिन्स हो गया। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लेबोरेटरी में भी देखेंगे तो आपको एमार्फस फॉर्म में मिलेंगे। हाँ, जो ये स्टार्च है, स्टार्च आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसको
पाउडर फॉर्म में बनाया गया होता है। अगर आप इसको नेचुरली तरीके से देखेंगे तो स्टार्च जो होता है वो आपका एमार्फस फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना आलू, आलू आपने देखा आपके घर में पोटैटो खाया जाता है, आलू खाया जाता होगा, आलू को आप बीच से काट लीजिए, सबसे बीच वाला भाग आप निकाल लीजिए, उसको क्या एक कपड़े में लगा करके उसको फिर एक मतलब ऐसे करिए, ऐसे दबा दीजिए, फिर आपको देखेंगे कि आपके हाथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ मिल जाएगा, वो आपका एमार्फस फॉर्म हो जाएगा। टेस्टलेस भी होता है और इंसोल्युबल होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि स्टार्च का हमने टेस्टिंग भी की थी, वहां पर भी हमने देखा था। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हमको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें भी ऑब्जर्व करके चलनी है, क्योंकि हमको एग्जाम में टॉप करना है, हमको एमसीक्यू एग्जाम में टॉप करना है, तो हमको एक एक चीज यहाँ पे बहुत ही केयरफुली देखते हुए चलना है। जो सैकेराइड आयन होंगे, ठीक है, वो उनका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो लो होगा एंड वाटर सोल्यूबल होंगे। तभी मैंने आपको जस्ट बताया जैसे मोनोसैकेराइड हो गए, ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, यही इसकी विशेषता होती है, यही इसकी डिफिनेशन होती है कि द मोनोसैकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच डज नॉट हाइड्रोलाइज विथ वाटर और एनी ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बायोज होते हैं जिनके पास दो कार्बन होता है, ट्रायोज होते हैं जिनके पास तीन कार्बन होता है, जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड हो गया, उसके बाद टेट्रोज होते हैं जिनके पास चार कार्बन होते हैं, जैसे इरिथ्रोज हो गया। सेम इसी तरह के से हमारे पेंटोज हो जाते हैं, सिक्स हेप्टोज हो जाते हैं, इसी तरह डेकोटोज तक हमारे चले जाते हैं, उसके हम काउंटिंग करते चलते हैं। ये सब हमने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ओलिगोसैकेराइड में आता है, इनके अंदर क्या होता है, 2 से 10 यूनिट ऑफ द मोनो सेकेट, मतलब जो ये यूनिट होती है, ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक या 10 से कम इसमें पाए जाते हैं कौन से मोनोसैकेराइड के यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में जैसे आपकी शुगर हो गई, ठीक है, स्टार्च वगैरह जो इसमें आता है, ठीक है, उसके बाद पॉलिस स्टार्च इसमें नहीं आता, स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड में आता है, जैसे सेलुलोज हो गया, गम हो गया, म्यूसिलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, तो ये हमारे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि इसमें कई सारे मोनोसैकेराइड के जो यूनिट होंगे इसमें कई सारे यूनिट कंटेन हो गए, नियर अबाउट 10 से ज़्यादा, कितना भी हो जाए, 10 हो जाए 20 हो जाए 30 हो जाए 40 हो जाए 50 हो जाए, तो हमारे केस में हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, बस 10 से ज़्यादा। अगर 10 से कम होता है तो हमारा ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। और वही जो डाइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में क्या होता है कि दो मोनोसैकेराइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिट होते हैं, वो कंटेन किए होते हैं। वही जो ट्राइसैकेराइड होता है वहाँ पे 3 यूनिट ऑफ द मोनोसैकेराइड कंटेन किए होते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमारी जनरल क्लासिफिकेशन की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, तो अब हम देखते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट के, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्टिंग होती है वो कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। सबसे पहले टेस्टिंग आती है मोलिस रिएजेंट में। मोलिस रिएजेंट कैसे करते हैं, मोलिस रिएजेंट बनाते कैसे, अल्फा नेप्ताल को 95% अल्कोहल में डिजॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा बन जाता है मोलिस रिएजेंट। अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप एक्वासिस्टेट, किसका, एक्वासिस्टेट कार्बोहाइड्रेट का, इट मींस आप 2 ml कार्बोहाइड्रेट कोई भी ले लेंगे, चाहे वो शुगर सुक्रोज हो जाएगा, चाहे आपका गैलेक्टोज हो जाएगा, चाहे फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको 2 ग्राम ले लीजिएंगे, उसको 5 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, ये आपका 7 ml का मिक्सचर तैयार हो जाएगा, आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, थोड़े अमाउंट में आप मोलिस एजेंट ऐड कर देंगे। अब मोलिस एजेंट ऐड करने के बाद आप उसको सेक करेंगे, और सेक थोड़ी देर के बाद 2 या 3 मिनट के बाद आप उसमें क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप वाइज आप डालते जाएंगे। जब 2 ml ड्रॉप वाइज H2SO4 कंसनट्रेटेड वो भी उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, उसके लिए अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद आपको क्या देखने के मिलेगा, जो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है इसके बीच में एक लेयर पाई जाएगी, और वो जो लेयर होगी उसको जंक्शन लेयर कहती है, वो दो लिक्विड को आपस में सेपरेट करती है, और जो ये लिक्विड मतलब जंक्शन लेयर पाई जाती है वो वायलेट कलर की हो या पर्पल कलर की या वायलेट कलर की, दोनों कलर की वहां पे पाई जा सकती है। तो इसका मतलब वहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट की जो टेस्टिंग है वो सफल हो जाएगी, इसका मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो हमारा फेलिंग टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, आप फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें एक्वासिस्टेट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लेंगे, इसे 2 ग्राम लेके 5 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, उसमें फिर क्या लेंगे, आप फेलिंग सॉल्यूशन ले लेंगे और उसको वाटर बाथ पे गर्म करेंगे। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि उसमें जो कलर होगा ब्रेक रेड PPT, मतलब उसमें प्रिसिपिटेट बन जाएगा, वो भी किस कलर का, ईटे के कलर का, ईटा आप समझते हैं जिससे घर बनाया जाता है, उस कलर का वहाँ पे प्रिसिपिटेट बन जाएगा। उसके बाद जो थर्ड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन टाइप, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये बेंडेड रिएजेंट वगैरह सब कुछ बना चुके हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें बेंडेड रिएजेंट डाल देंगे और उसको वाटर बाथ पे बॉईल करेंगे। अब उसमें ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, आप उसमें आपको 3-4 कलर दिखा सकता है, ग्रीन, येलो, रेडिश एंड रेडिश ब्राउन, ये भी कलर आपको वहाँ पे दिखा सकता है, या आपको कुछ येलोइश रेड भी दिखा सकता है, मतलब खून के तरीके से भी दिखा सकता है।
अब उसके बाद आता है ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट में आप क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सोल्यूशन बना लेंगे, उसको ले लेंगे 5 ml। उसमें आप क्या करेंगे, फ्लाइन हाइड्रोजन HCl मिला देंगे, फिर सोडियम एसीटेट मिला के कुछ देर के बाद एसिटिक एसिड तुरंत तुरंत नहीं मिलाएंगे, मतलब 2-2 मिनट की देरी पर मिलाएंगे। उसके बाद क्या हम देखने को मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ येलो क्रिस्टल फॉर्म, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो वहाँ पर हमारा येलो क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारा सही में प्रेजेंट है या वहाँ पर एक्यूरेटली वहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस देखें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ हमारा कुछ टर्म दिया, जैसे अकेसिया, अगार, ट्रगाकंथ, हरी, तो इन चारों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे इसी वीडियो में, चाहे वीडियो लंबी चली जाए तो उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमारा आता है अकेसिया। अकेसिया हमारा एक गम होता है जो कि अनऑर्गेनाइज ड्रग होती है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था कि जो अकेसिया होता है, ट्रगाकंथ हो जाए, गम लेटेक्स होता है, लेटेक्स होता है, रेजिन होता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारी अनऑर्गेनाइज ड्रग होती है। तो ये क्या होते हैं, अकेसिया इज द गम दैट एक्सक्यूट, एक्सक्यूट का मतलब कहता है ऑब्टेन करते हैं या बाहर निकालते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करके उसको बाहर निकाले, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पेड़ पे छीरा लगाते हो तो वहां से गम निकलता है, तो उसी प्रकार से एक्सक्रूड करना ही इसका अर्थ होता है। और ये मिलता है कहाँ से, अकेसिया ट्री से मिलता है, ये एक डाइट्री फाइबर होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब इसका सिनोनिम की बात करें तो इंडियन गम के नाम से भी जानते हैं एंड गम अरेबिका के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है इंडियन गम या गम अरेबिका, तो आपको अकेसिया के बारे में ही लिखना है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बायोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करें तो आपको कहां से मिलते हैं, अकेसिया अरेबिका एक प्लांट होता है, उसके स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, जो उसका तना होता है, उसके ब्रांचेस, ठीक है, वहां से आपको ये मिलती है। क्या मिलते हैं आपको, अकेसिया मिलता है, और जो इसकी फैमिली होती है, मतलब अकेसिया अरेबिका की जो फैमिली होती है लेगुमिनेसी होती है। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सिनोनिम हो गया, बायोलॉजिकल सोर्सेस हो गया। अब उसके बाद आती है इसका कल्टीवेशन या प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गम अकेसिया कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड ट्री ट्विस्ट इन द ईयर, मतलब जिसका जनरल टर्म बताया जा रहा है कि जो अकेसिया को ऑब्टेन किया जाता है एक साल में 2 बार किया जाता है, वो भी जंगली पेड़ों से किया जाता है। इट्स द एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ट्रांसवर्स इंसिजन। अब आपको समझना है कि ट्रांसवर्स इंसिजन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी प्लांट में ऐसा छीरा लगाते हैं या ऐसा उसको काटते हैं कि उसकी जो सेल प्लाज्मा होती है वो इफेक्ट ना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसमें मतलब ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन विदाउट डैमेजिंग द कार्बियम एंड जाइलम। अब कार्बियम जाइलम, जैसे जाइलम का क्या मतलब काम होता है आपको, मतलब जो वाटर की सप्लाई होती है जाइलम के द्वारा, अगर जाइलम को हम कम कट कट कर देंगे तो वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं पाएगा, वाटर मिल ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे वो हमारा प्लांट अनडेवलपमेंट हो जाएगा, तो हम उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स इंसिजन। अब उसके बाद हम करें तो उसके बाद जब हम ट्रांसवर्स इंसिजन वहाँ पे अप्लाइड कर देंगे तो जो भी मटेरियल हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या कर देंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, जिसके कारण से वो थोड़ा सा सूख जाएगा। सूखने के बाद उसकी क्या करेंगे, ब्लीचिंग कर देंगे। जैसे आप ब्लीचिंग का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप फेस की ब्लीचिंग करवाते हैं तो क्या करते हैं, आपके चेहरे पर जितने भी डस्ट वगैरह पोल्यूशन वगैरह होते हैं वो सब आउट हो जाते हैं, तो आपकी स्किन क्या होता है, निखार आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो गम आप प्राप्त करेंगे सन के ड्राई में, क्या करेंगे, पहले सूर्य के रोशनी में आप उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसकी ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग करने का जो तरीका होता है, मैचुरेशन ऑफ द गम व्हिच मेक दैट ट्रांसपेरेंट। अब उसकी ब्लीचिंग करने के बाद होता क्या है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, पारदर्शी, मतलब इधर साइड से उधर साइड, जैसे शीशा होता है, ठीक है, तो इधर उधर दोनों तरफ से दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउन टू रेड कलर होता है, जैसे गमी स्क्यूड में पाया जाता है तो ये ब्राउन टू रेड कलर में पाया जाता है। ऑर्डर लेस होता है, ट्विस्ट उसका म्यूसलेनिजिनस होता है, म्यूसलेनिजिनस का मतलब जैसे आपको फिशी टाइप की कुछ वहाँ पे गंध देखने को मिलेगी। उस शेप इसका एरेगुलर होता है, उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर की में होती है, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया था कि ये फाइब्रेट डाइट्री भी होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जैसे इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो एराबिन होता है, ठीक है। एराबिन क्या होता है, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम का साल्ट का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं एराबिन। तो इसमें जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो एराबिन। तो आपसे एमसीक्यू में भी ऐसा पूछा जा सकता है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अकेसिया इज, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा एराबिक एसिड, एराबिन। तो वहां पर मेन जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो एराबिन होता है, और जो एराबिक एसिड होता है वो आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है। तो वहां पर आपको एराबिन लगाना है, और जो एराबिन होता है किसका मिक्सचर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के साल्ट का मिक्सचर होता है। दूसरा, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो एराबिक एसिड पाया जाता है, इसी को जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको लिवो एरबिनोज बन जाएगा, मिल जाएगा, उसके बाद लिवो रेमिनोज मिल जाएगा, डेक्स्ट्रो गैलेक्टोज मिल जाएगा एंड डेक्स्ट्रो ग्लूको
कोरोनिक एसिड मिल जाएगा। तो ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूट या केमिकल प्रॉपर्टीज भी हेडिंग डालकर आप लिख सकते हैं, और ये सब एग्जाम के ड्यूरेशन में लिखना आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा, इससे नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। उसके बाद इसमें कौन से एंजाइम कंटेन किए हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेज हो जाएगा, परऑक्सीडेज हो जाएगा एंड पेक्टिनेज हो जाएगा। तो इसमें ये हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट सबसे पहले अरेबिन, उसके बाद अरेबिक एसिड, उसके बाद इसमें एंजाइम जो हो जाएंगे ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज एंड पेक्टिनेज हो जाएंगे। अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हाँ अगर हमने अकेसिया देखा, अकेसिया हमने ऑप्टेन किया तो क्या अकेसिया ही है, ठीक है, क्या हमने अगार लिया तो अगार ही है, क्या हमने ट्रगाकंट ऑप्टेन किया, क्या ऑप्टेन हमारा जो हुआ वो अगार ही है। तो इसका हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो आप करते क्या, इसमें 1 ग्राम ऑफ अकेसिया ले लेते हैं, उसको 2 ml वाटर में डिजॉल्व करें, क्योंकि ये डाइट्री फार्मर होते हैं इसलिए ये वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाएंगे। उसमें क्या करेंगे आप, थोड़े से ड्रॉप में मतलब 4 या 5 6 नियर अबाउट 6 ड्रॉप ही डाला जाता है लेड एसिड सब एसिटेट का सोल्यूशन डालेंगे। अगर उसमें जेलेटिनियस प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड हो गया तो इसका मतलब जो आपने प्लांट जो भी आपने ऑप्टेन किया वो आपका सही है, क्या है आपका अकेसिया है। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो जाएगा कि ये अकेसिया है। उसके बाद जो इसमें दूसरा टेस्ट होता है, इसमें आप क्या कहते हैं 5 ml ऑफ द गम अकेसिया सॉल्यूशन, वही आप सॉल्यूशन बना लेते हैं, फिर उसका 5 ml आप एक टेस्ट ट्यूब में या बीकर में ले लेते हैं। उसके बाद उसमें 0.5 ml H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करके उसमें 0.5 ml अल्कोहलिक बेंजीडीन सॉल्यूशन मिला देते हैं। अगर उसमें ब्लू कलर फॉर्म हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा अकेसिया प्रेजेंट है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा अकेसिया एब्सेंट हो जाएगा। और ये ब्लू कलर होता क्यों है, एंजाइम ऑक्सीडेज यहाँ पे रिड्यूस होने लगता है। अब बात आते हैं इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन में हम बात करते हैं कि वो कितना पोटेंट है, मतलब कि हमको वो प्योर फॉर्म में उसमें एडल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं है। इसमें आप क्या करते हैं, अकेसिया ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ अकेसिया ले लेते हैं, उसमें 10 ml वाटर डाल देते हैं, उसको कुछ घंटे के लिए हम क्या करते हैं उसको रख देते हैं। अगर उसमें सेडिमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारा प्योर सब्सटेंस है। अगर उसमें जरा सा भी सेडिमेंटेशन आपको देखने को मिलता है इसका मतलब उसमें कोई एडल्ट्रेट प्रोडक्ट का यूज किया गया है। उसके बाद इसमें जो दूसरा इवोल्यूशन टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, 1 ml ऑफ द गम अकेसिया, मतलब क्या करते हैं आप गम अकेसिया का 1 ml सोल्यूशन ले लेते हैं, उसमें 0.1% FeCl3 का 2 या 3 ड्रॉप सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। अगर वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर दोनों प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब वो हमारा इवोल्यूशन सही हो जाएगा, इसका मतलब वो अकेसिया होगा। और इसका एक भी मतलब और होता है कि उसमें टैनिन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब चूंकि टैनिन्स जो होते हैं वो कि हमने मतलब प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे नियर अबाउट अकेसिया से ही रिलेट करते हैं, अकेसिया से ही में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इवोल्यूशन हो गया। अब इसका प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसका प्रिजर्व कहाँ कर सकते हैं, कोई भी प्रिजर्वेशन पूछा जाए तो सबसे पहले आप लीजिए स्टोर इन अ एयर टाइट कंटेनर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, आपका प्रिजर्वेशन स्टोरेज यहाँ पर हो जाता है। अब इसकी थेरापोटिक यूज की बात करें तो यूज हो जाए डिमोलिसेंट। डिमोलिसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कफ सिरप वगैरह बनाई जाती है जिससे कि आपका होता है जो एक्सपेक्टोरेंट जैसे बनाया जाता है तो कफ आपका जो बाहर निकलता है सॉरनेस को कम कर देता है उसको बोलते हैं डिमोलिसेंट। ड्यूरिंग हीमोलाइसिस इट्स एडमिनिस्ट्रेशन IV। हीमोलाइसिस का मतलब क्या है, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। हीम का एक आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है, हीम आपका एक लोहयुक्त पदार्थ होता है, उसकी कमी होने लगती है जिसके कारण से आप कमजोर होने लगते हैं। तो हीमोलाइसिस के दौरान इसको IV से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अकेसिया आल्सो यूज इन द लीवर इंजरी, मतलब लीवर इंजरी में भी इसका यूज कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने अदर लिखा है तो अदर की जगह आपको क्या लिखना है, फार्मास्यूटिकल यूज। फार्मास्यूटिकल यूज में आपको लिखना है सस्पेंडिंग एजेंट, तो वहाँ पे आपको एक सीधा हेडिंग दे दीजिए, द अकेसिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सस्पेंशन, सो इट यूज एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो जहाँ पर आपको इमल्सन बनाना है इमल्सिफाइंग एजेंट कर दीजिए, जहाँ पर आपको सस्पेंशन बनाना है वहाँ पर आपको सस्पेंडिंग एजेंट कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी अकेसिया के बारे में बात। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो आप क्या कहता है, अगार होता है। तो जो अगार मेनली आपको मिलता है वो आपको तालाबों में, नदियों में और सागरों में मिलता है, जहाँ पे मुंगरा, जलकुंभी वगैरह पाई जाती है, ठीक है, उसके हमारे वीड से मिलता है, ठीक है, सी वीड से हमको मिलता है। तो ये जो अगार होता है एक प्रकार का वेजिटेरियन जिलेटिन सब्सटेंट होता है जो कि हमको सी वीड के वेराइटी से हमको देखने को मतलब मिल जाता है। अब इसके सिनोनिम की बात करें तो वेजिटेबल जिलेटिन ही बोलते हैं एंड जापानीज इंसिग्लेंस भी बोलते हैं। अब इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जापान में पाया जाएगा, उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होगा जेलिडियम एमानसिम पाया जाएगा, मतलब वहाँ से इसको ऑप्टेन किया जाएगा। और जो हमारा न्यूजीलैंड में पाया जाता है वहाँ पे पिटोरोक्लाइडिया ल्यूसिडा में मतलब पाया जाता है। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ग्रेसुलोर का कॉन्विक कोर्स साइट्स में पाया जाता है। अगर हम इसको जनरल टर्म में सुनना चाहें कि हमको
अपनी मतलब जैसे आप हम न्यूजीलैंड नहीं जा सकते, जापान नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, तो हमको क्या करना है, आपको हमको हिंदुस्तान में ही देखना है तो देखना है। आप क्या करेंगे, बरसात के मौसम में जाएंगे जहाँ पे जल भराव होगा और बांस का पेड़ लगा, बांस का पेड़ सब लोग जानते होंगे, वहाँ पर देखेंगे कि बांस के जड़ के नीचे आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ लाल लाल कलर की कुछ हमारी कैया लगी होती, वही किसी को बोलते हैं रेड एलगी। उसको आप अपने घर में लाइए, उसका स्टरलाइजेशन करिए, उसको हीट कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, उसके बाद कुछ प्रोसेस जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो कर दीजिए, आपको ये प्योर फॉर्म में अगार मिल जाएगा। अब बात आती है इसके प्रिपरेशन में, मतलब कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। तो जो रेड एलगाई होती है वो मेनली बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बांस, ठीक है, वहीं पर ये ग्रो करती है और विच आर इमर्ज इन द डीप वाटर, जो कि हमारे डीप वाटर में इमर्ज होते हैं जैसे बरसात के मौसम में, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप उस बम्बू में से स्क्रैप कर लेंगे, उसको स्क्रैप करने का मतलब क्या है, स्क्रैप करने का मतलब उसको वहां से छुड़ा लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे, रगड़ के छुड़ा लेंगे एट कलेक्टेड मई एंड अक्टूबर, ये कहां पर मई एंड अक्टूबर में, क्योंकि उस समय बारिश ज्यादा होती रहती है, जल भराव ज्यादा रहता है, तो इसलिए उस सीजन में हम इसको ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्क्रैपिंग करने के बाद करेंगे, इसको डायल्यूट एसिटिक एसिड वाटर वाटर से ढूंढेंगे, जैसे HCl क्या कर लेंगे आप उसको वाटर के साथ डायल्यूट कर लेंगे, उसके बाद आप जो आपको रेड एलगी मिलेगी उसको आप स्क्रैप करके उसके इसलिए धुल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेट कन्वर्टेड इन टू द अगार, ये क्या है, अगार में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 5 घंटे के बाद ये अगार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो कलर होता है येलो कलर का होता है, मतलब येलोइस ग्रे कलर का होता है, टेस्ट म्यूसिलेजिनस होता है, मतलब कुछ फिशी टाइप का होता है, ऑर्डरलेस होता है, सोलेबिलिटी इसकी वाटर में होती है, और जिसका शेप होता है स्ट्रिप संदी बैंड टाइप का होता है, आपके लेबोरेटरी में भी ये रखा होगा। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगार इज कंसिस्ट ऑफ द 2 पॉलीसेक्राइड, मतलब जो अगार होते हैं उनके अंदर 2 पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक होता है एगारोज, दूसरा होता है एगारोपेक्टिन होता है, जो एगारोज होता है वो सेल जेल स्ट्रेंथ, मतलब जो उसमें जेल जेली टाइप बन जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वही जो एगारोपेक्टिन होते हैं वो उसकी विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि उसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, इसका जो जिम्मेदाराना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसके ऊपर है, एगारोपेक्टिन के ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3.5% सेल्यूलोज एंड 6% नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब इसमें 3.5% सेल्यूलोज और 6% नाइट्रोजन सब्सटेंस भी पाया जाता है। अब बात आती है इसका इवोल्यूशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, तो इसको हम इवोल्यूएट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगार का सोल्यूशन बना देना है, उसमें कंसनट्रेटेड HCl आपको ऐड कर देना है, ठीक है। नियर अबाउट आप 5 ml सोल्यूशन लीजिए, 5 ml HCl लीजिए। अब उसको क्या करेंगे, आप 10 मिनट तक बॉईल करेंगे वाटर बाट पे, उसके बाद उसमें थोड़ा 3-4 ml तक आपको क्या मिलाना है, बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन मिला देंगे। अगर वहाँ पे आपको वाइट PPT देखने को मिलता है वो भी एकदम क्लियर, तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा प्योर अकेशिया पाया जाएगा। अगर देखने को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा जो अकेशिया सॉरी अगार होगा वो हमारा यहाँ पर आप कर लीजिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तो यहाँ पर आपको अगार मिल जाएगा, ये आपका प्योर फॉर्म में अगार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते कैसे हैं, मतलब जो अगार का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं आप 1.5 ग्राम आप अगार ले लेते हैं, उसमें 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, अब उसको बॉयल करेंगे एंड कूल कर देंगे। अगर वो स्टिफी जली, स्टिफी जली के मतलब चिपचिपी, जैसे चाशनी होती है, चाशनी ठंडी होने के बाद स्टिफी हो जाती है, मतलब हाथ से ऐसे आप करेंगे तो ऐसे आपके हाथ में लगी रहेगी, तो अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो ये हमारा अगार ही है। उसके बाद क्या दूसरा जो टेस्ट होता है, आप अगार पाउडर ले लेंगे, उसको एक ग्लास स्लाइड में, ग्लास स्लाइड का मतलब आपने जो माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग में आपने टेस्टिंग ब्लड टेस्ट या HCP की टेस्टिंग में ग्लास स्लाइड का यूज किया होगा, आप क्या करेंगे वहाँ पर अगार को रख देंगे, उसमें क्या करेंगे रुथिनियम जेड सोल्यूशन मिलाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको वहाँ पे पिंक कलर ऑप्टेन हो रहा है, म्यूसुले जो कि म्यूसुलेज फॉर्म करता है, ठीक है, तो अगर पिंक कलर फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा अगार प्रेजेंट है। तीसरा टेस्ट क्या है, आप 0.2 ग्राम ऑफ द अगार ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे आप टैनिक एसिड मिला देंगे, अगर कोई प्रिसिपिटेशन फॉर्म नहीं होता है तो इसका मतलब जो अगार है आपका वहाँ पे प्रेजेंट है, वो अगार ही है। अब इसकी स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, यही आपको लाइन रट के रखनी है, किसी भी ड्रग का पूछे तो आपको ये पहली लाइन आपको जरूर लिखनी है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल यूजेस एंड थेरापोटिक यूजेस के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 टाइप के यूजेस बताए हैं, जिसके कारण से जो आपकी कॉपी है अच्छे से भर भी जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो अगर फार्मास्यूटिकल यूजेस की बात करें तो इसको जेली जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो जेल टाइप की आती हैं, जैसे बहुत सारी एंटी फंगल ड्रग आती हैं, मेनली आपको जेली टाइप में मिलती है, तो उसके प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। यूज एड इमल्सीफाइंग एजेंट, मतलब उसके इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह से भी यूज किया जाता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ द डिजर्ट, मतलब डिजर्ट के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब इसकी थेरापोटिक यूजेस की बात करें तो सबसे पहले जो इसका यूज होता है, लेगजेटिव की तरह यूज करते हैं इन कॉन्स्टिपेशन, मतलब जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो आप इसको लेगजेटिव, मतलब जो लूज मोशन सिकनेस होती है, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। एंड यूज न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द बैक्टीरियल कल्चर, मतलब जो बैक्टीरियल कल्चर, मैंने आपने न्यूट्रिएंट अगार बनाया होगा, न्यूट्रिएंट ब्रोथ बनाया होगा, तो उसमें आपने अगार मिलाया होगा, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह भी करते हैं बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। ये जेलिंग एजेंट इन द सपोजिटरी, मतलब ये सपोजिटरी में जो जेलिंग एजेंट होता है उसकी तरह से भी यूज किया जा सकता है। एंड एज टेबलेट एक्सीपिएंट, और टेबलेट के एक्सीपिएंट के तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है, किसका, अगार का। उसके बाद हमारा आता है ट्रगाकंत, तो ट्रगाकंत के बारे में हम जाने तो इसका जो सिनानिम्स होता है वो गम ट्रगाकंत होता है, इसका जो सिनानिम्स होता है गम ट्रगाकंत होता है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, एस्ट्रालॉगस फैमिली से मिलता है, ठीक है, एस्ट्रालॉगस फैमिली में, जैसे एस्ट्रालॉगस गमी फेरा हो गया, ये हमको इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है, एस्ट्रालॉगस गमी फेरा, और जिसकी फैमिली है वो आपकी क्या है, लेगोमिनेसी है। अब इससे कलेक्शन एंड प्रिपरेशन की बात करें तो दी गम इज कलेक्टेड फ्रॉम दी थ्रोनी स्क्रब व्हिच ग्रो इन द माउंटेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 1000 to 30 meters, मतलब ये हमारी ऊंचाइयों में, मतलब कहने पहाड़ों पे इसके ये हमको मिलते हैं, या इसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसको ऑप्टेन किया जाता है। कलेक्टेड विथ हेल्प ऑफ द ड्राइंग एट 2 days, उसके बाद आप कलेक्ट कर लेंगे उसको, ड्राई कर लेंगे 2 दिनों के लिए, उसके बाद क्या करेंगे, गम फॉर्मेशन अकर्स, वहाँ पे क्या करेंगे, गम फॉर्म कर जाएगा। When the pitch cell and the medullary is transformed into a gummy substance from April to November, क्या कहने का मतलब, इसको हम अप्रैल और नवंबर के बीच में ही इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक टर्म लिखना होगा, गम फॉर्मेशन अकर्स, मतलब यह आपका कब गम फॉर्मेशन करता है, पिच सेल एंड मेडुलरी, तो यहाँ से आपको पूछा सकता है कि जो मतलब हमारा अगार होता है, ठीक है, तो अगार में जो गम फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो पिच सेल में होता है, मेडुलरी रेज में होता है, ठीक है, और ये कब होता है, आपका अप्रैल और नवंबर में इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारी हो गई जनरल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन के बारे में। अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इसका कलर होता है वो कलर पेल येलो कलर का होता है, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका म्यूसालिजिनस होता है, एंड शेप जो इसका प्लांटेड होता है एंड रिबन लाइक होता है, मतलब जैसे आपने रिबन देखा होगा चौड़े टाइप का, ऐसे टाइप का, ठीक है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सुपारशियली होती है वाटर में, ठीक है, बाकी इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसी भी प्रकार की सॉल्युबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें ट्रगाकंत कंटेन ट्रगाकैथिन एंड बेसोक्रीन, जो ट्रगाकैथिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, एंड जो बेसोक्रीन होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है। अगर आपको इन दोनों को सेपरेट करना है तो आप वाटर मिला लीजिए ऐसे, उसके बाद उसको फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करने के बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, मतलब जो आपको फिल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका बेसोक्रीन हो जाएगा, और जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा जो नीचे चला जाएगा वो आपका ट्रगाकैथिन हो जाएगा, ठीक है। जो ट्रगाकैथिन का मतलब मात्रा होती है वो 10% प्रेजेंट होती है, और बेसोक्रीन आपके 70% वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद ट्रगाकंत को हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको गैलेक्टो यूरिनिक एसिड मिल जाएगा, लिवो एल्बिनो रेमिनोज मिल जाएगा, प्लस डेस्ट्रो गैलेक्टो पायरिनोज एंड जाइलो पायरिनोज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है ट्रगाकंत की हाइड्रोलिसिस करने पर। आल्सो कंटेन स्टार्च एंड द प्रोटीन, मतलब इनके अंदर स्टार्च एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। अब बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, तो आप क्या करते हैं, ट्रगाकंत सॉल्यूशन को बॉयल कर लेंगे, उसके बाद उसमें आप 10% एफसीएल 3 उसमें ऐड कर देंगे, अगर उसमें डीप येलो पीपीटी कलर आता है तो इसका मतलब वो हमारा अगार है, वो हमारा प्योर फॉर्म में है और वो अगार ही है। उसके बाद जो इसका दूसरा टेस्ट होता है, दूसरे टेस्ट में आप क्या करते हैं, ट्रगाकंत को ले लेते हैं, उसमें आप NH4OH का सॉल्यूशन मिला देते हैं, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला देते हैं, एंड उसमें कॉपर ऑक्साइड भी आप ऐड कर देते हैं। अगर उसमें स्टिंगली पीपीटी बन जाती है, स्टिंगली का मतलब चिपचिपा पदार्थ, मतलब जो चिपचिपा होता है स्टिफी टाइप का, अगर वहाँ पे ऐसी पीपीटी आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रगाकंत प्रेजेंट है, अदरवाइज वो हमारा ट्रगाकंत नहीं है। उसके बाद जो इसमें तीसरा टेस्ट है ट्रगाकंत सॉल्यूशन, उसमें NaOH ऐड कर लेंगे, उसको थोड़ा सा आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद आपको कैनरी येलो कलर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कैनरी येलो कलर किस टाइप का होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर ट्रगाकंत हमारा आइडेंटिफाइड है कि ये हमारा ट्रगाकंत ही है। उसके बाद इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस की बात करें तो इसको स्टेबलाइजर के तरीके से भी यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन
ऑफ द आइसक्रीम, मतलब जो आइसक्रीम होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके प्रिपरेशन में यूज किया जा सकता है। यूज एज बाइंडर इन द टेबलेट, मतलब जो टेबलेट होती है उसमें बाइंडर के तरीके से भी यूज किया जा सकता है। एक्सीपिएंट इन द पिल्स, मतलब जो पिल्स होती हैं उसमें एक्सीपिएंट के तरीके से यूज किया जा सकता है। एंड सस्पेंडिंग इन इमल्सिफाइंग एजेंट, तो हमारे फार्मास्यूटिकल यूजेस हो गए। अब इसके थेरापूटिक जिसके बारे में बात करें तो डिमोलिसेंट फॉर द सोर थ्रोट, मतलब आपके जो सोर थ्रोट हो जाए, मतलब जो आपके गले में दर्द वर्द होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सॉरनेस हो जाती है, ठीक है, तो उसको डेमोलेट की तरह भी यूज किया जा सकता है। एज एन इमोलियंट इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मतलब जो कॉस्मेटिक पर जैसे आप फेयर एंड लवली लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हो जैसे क्रीम पाउडर ईटीसी वगैरह कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। आप इमोलियंट कॉस्मेटिक पाउडर में आपकी एंटी फंगल ड्रग भी आती है जैसे इंट्राकोनाजॉल, फ्लूकोनाजॉल, तो ये हमारी थोड़ी कॉस्मेटिक में आती है, ठीक है, तो हमारा गलत मतलब मत समझिए। कॉस्मेटिक का मतलब आप खूब फेयर एंड लवली लगा के गोरे गोरे दिखते हो, तो इसका मतलब ये मत समझिए। यूज एज ए लैक्जेटिव, मतलब लैक्जेटिक की तरह की भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा हनी, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम एंजाइम पे सीधा आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका सिनोनिम होता है सब लोग जानते हैं इसको, मधु शहद असल एंड मेल के नाम से जानते हैं। बहुत लोग असल एंड मेल आज पहली बार सुनने होंगे, तो आज आप ये भी जान लीजिए जो हनी होता है उसको असल और मेल के नाम से भी जानते हैं। उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि जो बीज होती है, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके जो छत्ते, छत्ते को नेक्टर बोला जाता है, वहाँ से ही हमको ऑब्टेन होते हैं। तो हनी इज द ऑब्टेन फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स प्रोसीड एंड डिपॉजिटेड इन द हनीकॉम्ब, मतलब जो छत्ते होते हैं, मतलब छत्ते जो मधुमक्खियों के छत्ते को हनीकॉम्ब भी बोला जाता है, और जो नेक्टर होते हैं वो फ्लावर से पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भंवरा जो होता है, जो भंवरे होते हैं, ठीक है, भंवरे क्या होते हैं कि मतलब फूल से जो उसके परागकण से, मतलब जो नेक्टर होता है, नेक्टर का मतलब परागकण, वहाँ से जो भी मटेरियल होता है उसको चूस लेते हैं। उसी प्रकार से मधुमक्खियाँ भी होती हैं, वो क्या करते हैं जो फ्लावर्स पर जाके बैठती है उसमें भी जो भी हमारे नेक्टर पाए जाएंगे, नेक्टर जिन्हें पदार्थ पाए जाएंगे जैसे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे मतलब मधुमक्खियाँ अगर लग जाएंगी। जैसे सरसों की खेती होती है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एक पेड़ में फूल आता है उसी टाइम में पूरे के पूरे पेड़ में फूल आने लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मधुमक्खियों का बहुत ही अहम रोल होता है। ये सारी चीज़ें अलग की बातें हैं, ये सब जियोग्राफिकली की बातें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर चाहते हैं डिस्कस करना तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस सब के बारे में भी आप इस चैनल पर डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। अब ये इसका जो मतलब मेन सोर्स होता है एपिस मेलिफेरा एंड एपिस डोरसाटा से होता है। उसकी जो फैमिली होती है वो एपिडाई होती है। अब इसका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन कैसे होता है, ये हनी जो ऑब्टेन फ्रॉम द नेक्टर, मतलब नेक्टर से इसको ऑब्टेन किया जाता है, व्हिच प्रेजेंट इन द फ्लावर, जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इट कंप्राइज 25% ऑफ द सुक्रोज एंड 75% ऑफ द वाटर, मतलब जो हनी होती है उसमें 25% सुक्रोज होता है और 75% वाटर होता है। अब देखिए, द नेक्टर इज सक्ड बाय द बीज, मतलब जो नेक्टर होता है फ्लावर्स में, जो नेक्टर पाए जाते हैं जैसे परागकण जिसको बोलते हैं, उसको जो मधुमक्खियों के द्वारा सकअप कर लिया जाता है, मतलब चूस लिया जाता है थ्रू द होलो ट्यूब कॉल्ड प्रोब्रोसिस, ठीक है। तो ये हमारी एक साइंस का टर्म है कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो किसके द्वारा नेक्टर को सकअप कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपसिस, ठीक है। तो दिस सलाइवा ऑफ द वर्कर, वर्कर बीच का मतलब कौन जो सकअप कर रही है, उनका जो सलाइवा कंसिस्ट ऑफ द इन्वर्टेज एंजाइम, वो इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट किया जाता है और वो क्या कहते हैं सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से इन्वर्ट शुगर में बदल देती है। जो मतलब 25% सुक्रोज पाया जाता था वो क्या कहते हैं जो मधुमक्खियों के सलाइवा होती है उसमें हमारा इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हनी कंप्राइज, उसके बाद जो हनी होता है वो क्या कंप्राइज कर लेते हैं 80% इन्वर्ट शुगर एंड 20% वाटर ही उसमें बसता है। यही इसका हनी का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। और निकलने से पहले नेक्टर का वैसे आपको यहाँ पे बजाय मतलब फंसाया जा सकता है MCQ में कि अगर हमारा मतलब जो भी हमारा मतलब जैसे मधुमक्खियों से हमको मिला तो मतलब अगर नेक्टर में प्रेजेंट है, जो भी शहद हमारा नेक्टर में प्रेजेंट है तो उसमें क्या कितना मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे सुक्रोज प्रेजेंट होगा। और वहीं जो हमारे मधुमक्खियों को कॉम्ब में जो प्रेजेंट होता है, मतलब जो छत्ते में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हमारा इन्वर्ट शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है दी हनी इज कलेक्टेड इज हीटेड अप टू टेम्परेचर ऑफ 80°C कूल रैपिडली। उसके बाद आप हनी को निकाल लेते हैं, उसको 80°C पर उसको पका लेते हैं, उसके बाद उसको कूल कर लेते हैं एंड देन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर दिस सर्टेन टाइम पीरियड, और उसके कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ देते हैं। जैसे आपने अपने गाँव में भी सुना होगा, आपके देहात में भी सुना होगा कि जब शहद जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा वो असरदार होता जाता है। इसका जो यूज किया जाता है अस्थमा अस्थमा के पेशेंट में, या जो
हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो इसका कलर होता है पेल येलो टाइप का होता है, ऑर्डर इसका प्रेजेंट होता है, टेस्ट इसका स्वीट होता है, सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर में ज़्यादा होती है। मेनी केमिकल कंस्टिट्यूट में 35% ग्लूकोज, 45% फ्रक्टोज एंड 2% इसमें सुक्रोज, इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूट होता है वो पाया जाता है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ द माल्टोज, गम, डेस्टिन, वोलाटाइल ऑयल एंड पोलन ग्रेन्स भी ये कंटेन किए जाते हैं, क्योंकि ये हमको नेक्टर से प्रदान मतलब प्राप्त होते हैं। इसीलिए इट इंक्लूड इसके अंदर और क्या क्या पाया जा सकता है, फॉर्मिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड, कलरिंग एजेंट, ठीक है, उसके बाद एंजाइम भी इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ टाइप्स के। तो ये समय थोड़े अलग के टॉपिक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बता दिया। अब उसके बाद आती है इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो अगर हनी को आपको सीधा सीधा मतलब है, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप जब भी शहद खरीदें तो क्या करें, आपके घर में एक सफ़ेद कटोरी ले लीजिए। सफ़ेद कटोरी सबके घर में होती है, ठीक है, उसमें जैसे ऐसे कटोरी ले लीजिए जिसके अंदर गड्ढा हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, उस वाटर को उसमें डाल दीजिए, उसमें क्या कीजिए आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हॉट वाटर डाल दीजिए। अब उस हनी और वाटर को दोनों को चम्मच से चला दीजिए। आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि जैसे कॉम्ब होता है, मतलब छत्ते में देखते हैं कि आपको होल पा जाता है, उसी प्रकार से आपको उस मतलब जिस भी बर्तन में आप रखे होंगे सफ़ेद कटोरी में, वहाँ पर आपको उस टाइप का कॉम्ब देखने लगेगा, मतलब मधुमक्खी का छत्ता देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि जो हनी आपको वहाँ पे पाया जाता है वो एकदम सेचुरेटेड मतलब एकदम प्योर फॉर्म में वहाँ पे आपको मिलता है। अब बात आती है लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में, तो जनरल टेस्टिंग के बारे में बात होगी, आपको सब लोग नहीं बताएंगे, केवल जो आयुर्वेदाचार्य पढ़े होंगे या मतलब आयुर्वेद जो पढ़ रहे होंगे वही बता पाएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, आप क्या कर लीजिए, आइडेंटिफिकेशन में 1 ml हनी ले लीजिए, उसमें 1 ml फेरिक सोल्यूशन, क्योंकि हमारा हाई कार्बोहाइड्रेट है। अब उसको आप वार्म कर लीजिए, अगर उसमें ब्लैक रेड PPT फॉर्म्ड होती है तो इसका मतलब वहाँ पे हमारा हनी प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा फीज टेस्ट होता है, ठीक है, इसको फीज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, 10 ml हनी ले लेते हैं, उसको 5 ml ईथर के साथ मिक्सअप कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट तक उसको बहुत अच्छे से सेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे आप, इथरल लेयर में वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट इथरल लेयर, मतलब जो उनकी जो लेयर होगी, मतलब दोनों टाइप की जो हनी और इथर की जो दोनों लेयर होगी वो दोनों अलग हो जाएंगे। उसमें क्या करेंगे, रिसॉर्सिन और HCl आप उसमें ऐड कर देंगे। अगर वहाँ पे रेड कलर डेवलप होता है, वो भी ट्रांसिएंट टाइप का, तो इसका मतलब वहाँ पे प्योर हनी पाई जाती है। अगर वही रेड कलर होता है परसिस्ट फॉर दिस सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए, तो इसका मतलब जो हनी वहाँ पर आपको दी गई है वो एडल्ट्रेट टाइप की गई हुई है या आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर उसमें आपको मिला के दिया गया, मतलब चीनी वहाँ पर आपको मिला के दी गई हुई है। अब उसके बाद इसके फार्मास्यूटिकल यूजेस के बाद मेरी बात करें तो ये आयुर्वेदिक फार्मुलेशन के व्हीकल के रूप में भी यूज किया जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पाउडर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीपल, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा पीपल, ठीक है, जो पीपल एक आता है जिसको खाया जाता है, मतलब जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनके उनको भी इसको दिया जाता है, ठीक है, जो पीपल होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो आप क्या करते हैं, पीपल को भून लेते हैं, उसमें शहद में लगा के खा लेते हैं। तो इसका एक यूज हो गया एक्सपेक्टोरेंट, आपको याद हो गया ना, एक्सपेक्टोरेंट आयुर्वेदिक में यूज किया जाता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसे फार्मुलेशन है, बहुत सारी, जैसे अभी हम जब हम अपना वीडियो लेकर आएंगे, नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, तो हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। एंड यूज एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की प्रिपरेशन भी करते हैं। एंड यूज स्वीटनिंग एजेंट, क्योंकि मीठा भी होता है। अब इसके थेरापूटिक यूज के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट्स एंड द पेशेंट, मतलब जिनके अंदर खून की कमी हो जाती है, मतलब थोड़ा थकावट रहती है, तो उनके लिए इसका यूज किया जा सकता है। पॉजिसस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पर कट गया है या जल गया है, ठीक है, तो वहाँ पर अभी आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट भी इसका यूज किया जा सकता है। एंड लेग्जेटिक के तौर पर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पूरी देखी होगी, पूरा समझ में आया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो आई होप इतना आपके लिए सफिशियंट है, इतना ही पढ़िए, और अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो गारंटी के साथ कहूँ 10 में से 8 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताइए, हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।